So let's begin this video with Olive. She is my 3 years old girl, jiska head jo hai is samay wo thoda sa white hai. I'll give you a closer look. Iska head isliye white hua hai kyunki ye iski puri skin nikalne wali hai abhi. She was supposed to be basking right now, par yahan par bahut zyada barish ho rahi hai. It's constantly raining, तो बीच बीच में कभी कभार sunlight आती है और फिर वो चली जाती है और बेचारी Olive बेचारी ऐसे ही बैठी रह जाती है. But she is a good girl, she is a very good girl. ये यहाँ पर ऐसे chill करके बैठती है आराम से. इसका कल almost पूरा shed निकल गया है, थोड़ा सा यहाँ पर है. अगर आप लोगों को लगता है इसको दर्द हो रहा है तो ऐसा कुछ नहीं होता, इनको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, बस ये ऐसे दिख रही है. I know मैं इसको काफ़ी ज़्यादा कम दिखाता हूँ अपने वीडियोस में. स्टेप अप, स्टेप अप, स्टेप अप. और मैंने इसको काफ़ी कोशिश की थी ट्रेन करने की, बट आई फेल्ड वंडरफुली. अच्छा, स्टेप अप, स्टेप अप. नाइस, नाइस. सो या हेयर ही इज़. मैं इसको काफ़ी कम दिखाता हूँ अपने वीडियोस में, बट या ही इज़ डूइंग ग्रेट. गर्मियों में इनको ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, बस इनके थोड़ा सा जो फेदर्स हैं वो कम हो जाते हैं जिसकी वजह से पतले लगते हैं. बट ही इज़ माई टोटो, ही इज़ डूइंग ग्रेट. ये काफ़ी अच्छा है. अब ये मेरे को समझने भी लगा है, थोड़ा सा ट्रेन होने लगा है हल्का फुल्का सा. काफ़ी ज़्यादा टाइम तो मैं इसके साथ स्पेंड नहीं करता हूँ क्योंकि ही इज़ माई मदर्स पैरट, जैसा कि सबको पता ही होगा अगर और वीडियोस देखें. मैं इसको वीडियोस में ज़्यादा भी इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि मैं इसको ज़्यादा डिस्टर्ब करता नहीं हूँ. मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ऑलिव और मैं अपने डॉग्स या फिर सिम्बा के साथ ही रहता हूँ. ये मेरी मम्मी के साथ रहता है 24/7. ही हैज़ डेवलप्ड सम नाइस कलर काफ़ी अच्छे से, तो या ही इज़ डूइंग ग्रेट. As you guys know, she's a Saint Bernard. तो गर्मियों में तो इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. शी इज़ ऑलवेज पैंटिंग, नॉट ऑलवेज बट या मोस्ट ऑफ द टाइम शी इज़. और मैंने इसका कोट अभी तक शेव नहीं कराया है जो कि मुझे करा देना चाहिए, तो आई एम जस्ट गोना डू दैट वेरी सून. ये भी अभी बालकनी में देख रही है. आई एम सॉरी फॉर द ट्रैफिक वॉइस अगेन. शी इज़ जस्ट वॉचिंग द यू नो द रोड. एक्चुअली मेरे घर के पास सामने एकदम मेन रोड पड़ती है, तो शी लव्स वॉचिंग इट. गर्मियों में काफ़ी प्रॉब्लम होती है. मैंने इसकी डाइट में से फैट्स एकदम हटा दी है, फैट्स और ऑयल्स एकदम हटा दी हैं. शी इज़ हैविंग लीन कार्ब्स राइट नाउ, लीन कार्बोहाइड्रेट्स विद लीन प्रोटीन. वही इसकी नॉर्मली अभी डाइट चल रही है. एंड शी इज़ अ गर्ल, शी इज़ माई गुड गर्ल. नाउ शी इज़ गॉन एंड स्नोई इज़ स्माइलिंग राइट नाउ. मैंने जैसे कि पहले बताया था कि शी इज़ हैविंग सम स्किन प्रॉब्लम. मैंने उस पर एक प्रॉपरली वीडियो की थी, अगर आपको जानना है उसके बारे में यू कैन चेक इट आउट. मैं पिन कर दूंगा उसको इन द कॉमेंट सेक्शन, यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट इट. तो वो भी काफ़ी ज़्यादा गर्मियों में स्नोई का वो इंक्रीज़ हो जाता है, तो उसको थोड़ा सा टफ़ हो जाता है हैंडल करना. एज इन मैंने उसमें बताया है कि वो चीज़ कंट्रोल हो सकती है, वो डिज़ीज़ कंट्रोल हो सकती है, पर वो ख़त्म नहीं हो सकती. तो उसको थोड़ा सा टफ़ हो जाता है उसके साथ यू नो कोप अप करना. पर या शी इज़ डूइंग गुड. कोट हेल्दी है इसका भी और थियसा का भी. थियसा का तो हमेशा हेल्दी रहता है एंड शी इज़ ऑलवेज स्माइलिंग. इसकी डाइट भी सेम है थियसा जैसी, पर थोड़ी सी क्वान्टिटी में कम है. और इसको भी बहुत अच्छा लगता है बाहर देखना. एंड शी इज लाइक दैट, शी इज गुड गर्ल. और अब टाइम है इनको थोड़ी सी ट्रीट्स देने का. एंड दीज आर माई न्यूट्स. काफ़ी लोगों को लगता था कि पता नहीं कहाँ चले गए या फिर ऐसा कुछ. मैं इनका नया एक इन्क्लोजर बना रहा हूँ क्योंकि पहले वाला जो इनका इन्क्लोजर था उसमें मैंने लॉबस्टर्स डाल दिए हैं और ये बहुत ज़्यादा उसमें स्ट्रेस्ड अप भी थे क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा इन्क्लोजर था इनके लिए. तो अभी मैं चेंज कर रहा हूँ. मेरे जो बेड साइड एक्वेरियम है उसमें मैंने इन्हें रखा हुआ था, बट सम हाउ इट गॉट ब्रोकन. आई डोंट नो, इट गॉट लीक्ड अप और सो. ये दे आर डूइंग ग्रेट. आई विल शो यू द बैक.
ये अगर आपको देखना है कि आपके न्यूट्स हेल्दी हैं एज इन फायर बेलीड न्यूट्स हेल्दी हैं नहीं, तो आपको उनका पीछे का चेक करना होगा. अगर वो ब्राइट कलर्ड है ऐसे तो दे आर डूइंग गुड. ओके, और ये करते हैं ये डिफेंस में, एज इन ये मुझे शो कर रहा है कि इसको कुछ हो गया है एंड ही इज़ डेड. बट या ही इज़ गुड. और मेरे पास मेल फीमेल हैं, एज इन ये फीमेल है, यू कैन सी द बेली ऑल्सो, और दूसरा वाला जो पतला है वो मेल है. दे आर डूइंग गुड, अच्छे से खा पी रहे हैं. काफ़ी मॉस्किटो लार्वा वगैरह भी मैं इनको दे रहा हूँ. तो या है दे आर. By the way, I'm just planning to get a cat for him. ये अकेले थोड़ा सा bore हो जाता होगा I guess, इसलिए भी. Although मेरे घर पर बहुत सारे लोग हैं तो काफ़ी कम possibilities हैं उस चीज़ की, but I've just thought about it. तो please don't ask me कि क्या color होगा, कहाँ से लाओगे, वो वाली चीज़ें. तो अभी just मैंने ऐसे ही सोचा है और इसको एक समय एकदम से एक bird दिखा बाहर. आँखें ऐसे हो गए. ये अभी छोटा ही है, इज़ नॉट मेच्योर इनफ मेटिंग वगैरह वाली चीज़ों के लिए, पर उसको दोबारा एक बर्ड देगा. तो या आई एम जस्ट होपिंग कि इसका भी थोड़ा सा परिवार आगे बढ़े. या देयर इज माय लिटिल बॉय एंड दीज आर माय शूज लाइक दैट दे आर आल्सो डूइंग ग्रेट. मैं इनके लिए नया घर लाया था एक्चुअली. इज जस्ट रेस्टिंग इनसाइड. They rest a lot. Obviously ये nocturnal होते हैं तो ये रात को ही जाती है, तो इसलिए मैं अभी इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा. वो अंदर है बस, इतना ही बहुत है. ठीक है, आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू गाइस. ऑब्वियसली गर्मी में इनको भी थोड़ा सा गर्म तो लगता ही है, बट दे हैव गॉट अ बिग प्लेस टू चिल आउट, सो दे डू इट विदाउट एनी वरी. एंड शी इज़ ऑब्जर्विंग नाउ व्हाट्स रॉन्ग. They don't you know, they don't change their behaviors according to the summers as such, but थोड़ी बहुत तो गर्मी तो ऑब्वियसली लगती है और ये मेरे को गुस्सा दिखा दिया. दे लुक लवली वाले है. इनको अपना नया घर बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ही ज़्यादा. मैं पीछे से लाइट ऑन करके मैंने इन पर फ्लैश मारा हुआ है तभी आप लोग देख पा रहे हैं, वरना तो इट्स ऑल एकदम बहुत ज़्यादा अंधेरा है. खैर एनीवेज हम इनको छोड़ते हैं इनके हाथ पर अभी. सो ये है सूची और केली. ये है सूची और वो है केली. इनको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है गर्मी से, बस ये बाहर रहते हैं. अगर सर्दियाँ होती तो ये दूसरे के साथ घुस के रहते. बट या दे आर डूइंग दिस फाइन, नॉट एट ऑल. थोड़ा सा कम खाते हैं. Yeah, they are good.